रानी पिछले 1.5 साल से मेरे साथ अभी पहले कर रही है कनेक्शन किस्मत का, और मैं रानी के साथ एक और शो कर रही थी पहले 6 साल पहले। रागिनी मेरी ब्रांड एम्बेसडर है ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले 13 साल पहले की थी, तो वेबसाइट लॉन्च किया था। उसके बाद मैंने 13 चैनल्स पे कई शो किए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के भी किए, और साथ साथ में अलग अलग तरह के शो किए, अस्मिता, मेरा नंबर कब आएगा, स्टार न्यूज और बहुत सारे। उसके बाद ये आइडिया लेकर मैं पहुंची बिग FM पे, सजवानी जी थे यहाँ, और रोचक से मैंने डिस्कस किया कि रोचक ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे रोज के 6,000 कॉल आते हैं, और स्टार न्यूज पे कम से कम 40,000-50,000 कॉल आते हैं। मैं सिर्फ इसको इंफॉर्मेटिव इतना नहीं रखना चाहती हूँ कि खाली आप नंबर पूछ के भविष्य जाने। क्या होता है कि जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं तो वो पूछता है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम दीजिए अपना। मैं उनसे पूछती हूँ, मेरा साइंस है ये, मैं उनसे पूछती हूँ 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर, और वो जो नंबर स्पॉट बताते हैं मैं उससे उसी वक्त उनको उनका भविष्य यानी कि आने वाली चीजें जो है वो बताती हूँ। और ईश्वर की दया से रानी आज तक 1.5 साल में, रानी बताएगी आपको, आज तक कभी किसी कॉलर ने सामने से ना टीवी पर ना रेडियो पर कभी किसी ने कहा नहीं कि आप गलत बोल। और इसके साथ साथ मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में ध्यान, योग, मेडिटेशन वगैरह सिखाती रही। बिग FM पर कर रही हूँ मैं सहर, और जब शो शुरू हुआ था तो मैं बहुत चिंतित थी कि मुझे सुबह 5 से 7 कौन सुनेगा, लेकिन वो शो सुपर हिट हो गया हमारा। और कनेक्शन किस्मत का जो मैं 1.5 साल से रानी के साथ कर रही हूँ वो भी सुपर डुपर हिट है ऑल ओवर इंडिया। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का चेहरा सिर्फ मैं हूँ, द ब्रेन्स बिहाइंड मी इज ममा कामिनी जी, और उसे आप लोग तक पहुंचाने का जरिया इज बिग 92.7 FM। आई जस्ट वांट टू से कि आज तक मैंने अपने आप को जैसे भी एनहांस किया, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड द वे आई हैव बीन, द वे आई हैव ब्रॉट अप मायसेल्फ। लोग बोलते तुमने इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर लिया, तुमने इतने सारे शोज कर लिए, एंड एक्चुअली मैंने 4 साल में कुछ 8 शोज किए, और काफ़ी बखूबी मैंने, आई थिंक टच वुड, दे डिड वेल, एंड एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ मॉम। सो आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माय मदर, एंड It's not only me, it's the entire country which is saying, because the kind of response we get, जितना response हमें आता है, जितने calls हमें घर पे आते हैं, मैं उसकी एक live witness हूँ, लोग भी उसे इतना ही पसंद करते हैं। रागिनी का आज तक future बहुत अच्छा रहा है, और पहले भी जितना कुछ किया है उसने भगवान की दया से बहुत कामयाब रही है, और आगे भी कामयाब रहेगी, दिसंबर के बाद आप देखिए। Mom has always predicted good things about me and the bad things also. There have been times जब मैं mom को बोलती हूँ कि mama, आप तो हमेशा बोलती हो कि मेरा horoscope इतना अच्छा है, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? Because कितनी बार जो पर्दे पर आता है, we never know what the story behind is. Maybe I'm very happy on the camera and very upset backstage. There are ups and downs in everybody's life, but astrology is something which gives you an umbrella. If it's raining, you have an umbrella, you'll be safer. It won't say that it'll stop raining. बट इफ यू नो अबाउट इट, अगर आपको पता है कि ये होने वाला है तो आप उसके बारे में थोड़ा प्रिकॉशंस रहेंगे और आप पहले से ही समझ के रहेंगे। तो जब हम स्टोन्स पहनते हैं, पहले मैं स्टोन्स में भी बिलीव नहीं करती थी, बट मॉम ने मुझे ये पहनाया, सो नाउ एवरीबॉडी सेज कि जब से तूने पुखराज पहना है तब से तेरा अच्छा हो गया। आई डोंट नो ये सब बहाने बन जाते हैं या वाकई में इनका असर होता है, बट ऑल आई वांट टू से इज दैट बहुत सही है ये साइंस, बहुत करेक्ट है। मैं इसलिए ज़्यादा विश्वास करने लगी हूँ बिकॉज आई वॉज अ नॉन बिलीवर, मैं विश्वास नहीं करती थी, और ओवर द इयर्स जब मॉम ने कहा कि तेरे साथ अभी देखना ये होगा, एंड एग्जैक्टली वो हुआ, शी सेड देख अभी ये होगा, एंड एग्जैक्टली वो हुआ, शी सेड ये हो, एंड नॉट ओनली विद मी, फिर जो मॉम के घर पे जो आते हैं लोग मॉम को हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, जैसे कामनी जी देखिए हमारा ये होगा, इनफैक्ट द वर्स्ट वॉज वंस, गॉड ब्लेस एवरीबडी, मॉम ने एक बार किसी से कह दिया कि आप अपना सर संभाल के रखिए, एंड पुअर थिंग यू नो, बेचारा नेक्स्ट डे वो बाथरूम में गिर गया एंड ही डैमेज्ड हिज हेड, इट वॉज सो स्कैरी। ऐसे इतने सारे सीन हो चुके हैं हमारे साथ कि अब मुझे डर लगता है मॉम के साथ हॉरोस्कोप पे बैठने के लिए कि मम्मी अभी क्या बोलने वाली है। एंड समटाइम्स यू नो देयर आर पीपल हु कम जिनके पास हॉरोस्कोप्स नहीं होते, जैसे मॉम ने कहा कि ना जब बारिश हुई थी होली के 4 दिन बाद बेटा तू पैदा हुआ था, फॉर देम देर इज 1 से लेके 108 तक आप नंबर बोलें और उसकी आपकी जो उस वक्त की कुंडली होती है, नॉट योर लाइफ लॉन्ग कुंडली, यू हैव टू कीप विद टाइम, इट कीप्स चेंजिंग बिकॉज दैट्स नॉट योर लाइफ टाइम हॉरोस्कोप। इफ यू हैव योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ टाइम, तो आपकी लाइफ लॉन्ग हॉरोस्कोप बन सकती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नंबर से उस मोमेंट की कुंडली बना के देख सकते हैं। एंड ये जो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी विद साइंसेज, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट,
मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ में कन्विक्शन आप में बोल के कोई नहीं डाल सकता. यू हैव टू एक्चुअली बिलीव इन समथिंग. आई कम्प्लीटली बिलीव इन दिस. और मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मम्मी ने मुझे जब भी कहा कि तेरा ये प्लैनेट के हिसाब से, एंड देर इज़ लॉजिक टू इट. हाउ देर इज़ लॉजिक वो मॉम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे, बट इसमें लॉजिक है जो आप अगर डीपर स्टडी करें, बिकॉज मॉम ने इस साइंस को 25 साल दिए, एंड इट्स नॉट लाइक वी आर डूइंग इट फॉर अ फी, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर पर्सनल बेनिफिट. मेरी मॉम कोई बाबा नहीं है. शी हैज़ नेवर कम इन अ चोगा, शी इज़ नेवर कम इन अ, शी इज़ अ नॉर्मल हाउस वुमन हु इज़ अ वर्किंग वुमन, एंड शी समबडी हु नोज हाउ द वर्ल्ड फंक्शन. शी नोज कि दुनिया कैसे चलती है, काम कैसे होता है ऑफिसों में, टीका लगा के बगैर लिपस्टिक लगाए आशीर्वाद नहीं देती हैं. शी विल टेल यू व्हाट द फैक्ट इज एंड शी विल टेल यू हाउ टू हैंडल इट करेक्टली. तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ लाइफ चेंजर. मुझे लगता है ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एनी केस, बिकॉज इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच है.